हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफॉर्मास देखे थे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। टुडे वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। सो लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग दिस चैप्टर डिसॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले क्वेश्चन को डिटेल में हम पहले रीड कर लेते हैं। लेट चेक द क्वेश्चन। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। मतलब दो पार्टनर है, फर्स्ट इज रिद्धि एंड सेकेंड इज सिद्धि, और उनका रेशियो क्या है 2:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। सो विल सी लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल है, रिजर्व फंड है, लोन है और क्रेडिटर्स है, और असेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, RDD, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल और बैंक है। फिर हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट्स है, फॉर्म डिसॉल्व हुआ है। लास्ट लाइन रीड करो, हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन एंड बैंक। सो हम पहले लेजर्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लेजर आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड लेजर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड लेजर आप बनाएंगे बैंक अकाउंट, और फोर्थ लेजर आप ड्रॉ करेंगे सिद्धिस लोन अकाउंट। फिर उसके बाद ड्रॉ करने के बाद अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस ट्रांसफर करना है। अभी देखो कैपिटल क्वेश्चन में क्रेडिट में है, सो कैपिटल अगर क्वेश्चन में क्रेडिट में है तो कैपिटल के क्रेडिट में हमें बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है 80,000। क्वेश्चन चेक करते जाओ, 80,000 है 60,000 हमारे पास क्वेश्चन में लाइबिलिटी में बैलेंस आया, तो हमें क्रेडिट साइड में बैलेंस ट्रांसफर करना है। सो 80,000 एंड 60,000। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रिजर्व फंड आया, आप चेक कर सकते हो रिजर्व फंड की अमाउंट देखो कितनी है। क्वेश्चन चेक, रिजर्व फंड की अमाउंट दिया है 16,000। सो 16,000 को हमें रेशियो में बांटना है। सो 16,000 है रिजर्व फंड की अमाउंट। सो वर्किंग नोट में रिजर्व फंड को रेशियो में बांटेंगे। देखो पहला 16,000 अमाउंट है और रेशियो क्या बोला है 2:1, तो रिद्धि को कितना मिलेगा 2, और उसको डिवाइड करो 3 से, तो आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा। आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1066666, रिकरिंग आया था उसको 7 करो 10667। अब अगर हमें दूसरे पार्टनर का सॉल्व करना है तो दूसरे पार्टनर का कैसे आएगा, 16,000 इंटू दूसरा रेशो है 1:1, बिकॉज 2:1 है। तो सिद्धि का शेयर कितना आएगा 1:3 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5533। सो ऐसे वर्किंग नोट में लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको पार्टनर के हमें क्रेडिट में इफेक्ट देना है। सो पार्टनर में आ जाओ, रिजर्व फंड अकाउंट कितना निकाला फर्स्ट पार्टनर का रिद्धि का 10667, और सिद्धि का कितना निकाला हमने 5333। तो इन दोनों की टोटल हमारे पास क्वेश्चन की जो रिजर्व फंड है उससे मैच होना चाहिए, 16,000 से मैच होना चाहिए। सो इस तरह से हमें रिजर्व फंड करना है। फिर उसके बाद हम लोन जो है लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक देखो असेट्स में है, तो असेट को डेबिट बैलेंस होता है, तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 बैंक के डेबिट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, सो लोन के लेजर में क्रेडिट में हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे 4,000। सो पहले बैलेंस और रिजर्व फंड एंड ऑल ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे स्टेप वाइज जाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो होती है अपनी असेट्स को ट्रांसफ़र करना है, मैंने आपको एंट्री भी लिख के दी है क्या होती है हमारी एंट्री। अब हम हमारे स्टेप वाइज जाएंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, असेट्स ट्रांसफ़र। तो हमारी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का टू सन्ड्री असेट्स, और क्वेश्चन में जितने भी असेट्स है सब लेने का बैंक को छोड़ के। अब क्वेश्चन चेक करो, आपके पास बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स लिखते समय हमें इनसाइट वाली अमाउंट लिखनी है 17,600, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऑल द असेट्स वी हैव टू राइट एक्सेप्ट बैंक, बिकॉज बैंक का हमने लेजर बनाया है। सो कम टूवर्ड्स अवर एंट्री। सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू सन्ड्री असेट्स, सब एक एक लिखो, बिल्डिंग,
फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल तक। डेटर्स लिखते समय हमें 17,600 लिखना है, डोंट राइट 16,000। उसके बाद फुल उसकी जो टोटल है, फुल टोटल हमारे लिए बाहर लेने का 171,600। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफरिंग ऑफ असेट। अब जैसे हमने असेट्स को ट्रांसफर किया है, सेम रूल हमें वैसे लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करनी है। सो हमारे पास लाइबिलिटी में क्या क्या है, एक तो क्रेडिटर्स आएगा और एक RDD आएगा। तो फिर हम लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करेंगे। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखने का बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स 30,000 और RDD जो हमने नहीं लिया तब वो लो 1,600। सो स्टेप नंबर वन ट्रांसफरिंग ऑफ असेट, स्टेप नंबर टू ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी। अब उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट से। अब आपके एडजस्टमेंट को रीड करो, फर्म डिजोल्व हुआ है, असेट जाएंगे एडजस्टमेंट से। अब आपके एडजस्टमेंट को रीड करो, फर्म डिजोल्व हुआ है, असेट्स रियलाइज। जब भी असेट्स रियलाइज वर्ड आया मतलब असेट सोल्ड होता है। जब भी कोई असेट सोल्ड होता है तो हमारे पास पैसा आता है, हमने एंट्री लिखी है, आप रेफर कर सकते हो। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो बाय बैंक अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक, और एक एक असेट्स लिखो, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, मशीन, डेटर, स्टॉक, सब लाइन में आप लिख सकते हो। पहला मशीन है, फिर बिल्डिंग है, फिर स्टॉक है, फिर डेटर्स है, और इसकी पूरी टोटल करो आप, टोटल आएगी आपकी 1,03,000। सो हमारे पास टोटल आ गई है 28,000, 15, 38, 22। आप लाइन में लिख सकते हो मशीन 22, बिल्डिंग 28, स्टॉक 38 और डेटर्स 15। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने बैंक लिखा है तो बैंक में कहा जाएगा डेबिट साइड। तो बैंक में आ जाओ, बैंक के डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स सोल्ड, और अमाउंट कितना लिखने का 1,03,000। सो ऐसे हमें एंट्री करनी है असेट्स सोल्ड की। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे सेकेंड एडजस्टमेंट में। रिद्धि टूक ओवर इन्वेस्टमेंट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। मतलब इन्वेस्टमेंट इज अ असेट और असेट किसने लिया है, पार्टनर ने। हमने एंट्री लिखी है, अगर कोई पार्टनर असेट लेता है डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर टू रियलाइजेशन। सो हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो असेट्स किसने लिया है, पार्टनर ने, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर टू रियलाइजेशन। सो रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट 10,000 में लिया है, और फर्नीचर कितने में लिया है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब हमारे क्वेश्चन की वैल्यू लेना है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, 24। सो 10 और 24 कितना होता है, 34। तो रियलाइजेशन अकाउंट 34,000, और रियलाइजेशन में हमें इंडिविजुअली दिखाना है बाय रिद्धि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10,000 और फर्नीचर 24,000, तो टोटल 34। सो दिस वाज द एंट्री ऑफ असेट टेकन ओवर। थर्ड एडजस्टमेंट, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। मतलब सिद्धि का इन्वेस्टमेंट लिया, सिद्धि ने क्या लिया है, लोन, मतलब लाइबिलिटी लिया है सिद्धि ने। तो हमारे पास लोन है, हम लोन में आएंगे, लोन के रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो लोन के डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट, लोन पे हो रहा है तो लोन के डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट। कितने में लोन पे हो रहा है, 3,000 में, तो लोन के डेबिट में टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में, सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय सिद्धिस लोन अकाउंट 3,000। अब हम लोन क्लोज करेंगे। देखो लोन अकाउंट, लोन की क्रेडिट की टोटल है 4,000, लोन की डेबिट की टोटल है 3,000। सो डिफरेंस कितना आएगा, 1,000। जो भी डिफरेंस आया उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है 1,000। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सिद्धिस लोन अकाउंट 1,000। सो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट क्या थी, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। सो सिद्धि का लोन पे हो गया है, सो बैंक के क्रेडिट में गया, लोन के डेबिट में, और जो भी डिफरेंस आया उसको कहाँ ट्रांसफर किया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट में। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ में बोला है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करो 4,000। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन, एक लाइबिलिटी पेड की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, 4,000, वो हमने लिया अलॉन्ग विद दैट। अगर नहीं भी बोला तो भी क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी होती है उसको पे करना ही है। हमारे सन्ड्री लाइबिलिटी में देखो हमने क्या क्या ट्रांसफर किया है, क्रेडिटर्स और RDD। RDD पे नहीं होता है,
बट क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटी, उसको पे करना है कंपल्सरी इफ इट इज नॉट गिवन देन ऑल्सो. तो क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों कंबाइन में पे होगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में आएंगे हम, बैंक में क्रेडिट साइड हम इसका इफेक्ट देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और टोटल 34,000. क्या लिखने का ब्रैकेट में, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस पेड. एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुल नॉट बी रिकवर, मतलब इसकी कोई एंट्री करने की नहीं. सो इस तरह से हमारे सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए. अब हमें लेजर को क्लोज करना है. तो अब देखो लेजर क्लोज कैसे करेंगे, पहले हम डेबिट की टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की. देखो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट की टोटल कितनी आती है, 1,71,634 करेंगे तो आंसर आएगा अपना 205,600. ये डेबिट की टोटल. अब क्रेडिट की टोटल करो सॉल्व, क्रेडिट की टोटल बराबर सॉल्व करो. देखो क्रेडिट में क्या क्या है, 1,03,000 है पहले, 1,03,000 लार्ज अमाउंट लो पहले, फिर 34 और 1 कितना होता है 35. तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 35,000, उसके बाद 31,600. अब इसकी पूरी टोटल करो और फिर आपको क्रेडिट की टोटल मिलेगी. सो बराबर टोटल करो. देखो पहला पहली अमाउंट 1,03,000 प्लस करने का है, क्रेडिट की टोटल करने की है 31,600, 35,000. अब देखो टोटल 006, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 3 और 3 6, और ये 1,69,600. तो 205,600 डेबिट की टोटल, और क्रेडिट कितना आया 1,69,600 बराबर 1,69,600. अभी माइनस करो 205,600 डेबिट की टोटल, उसमें से क्रेडिट 1,69,600 माइनस बराबर करो 000. 15 में से 9 गया तो कितना आता है 6, 10 में से 7 गया 3, तो 36,000 का लॉस हुआ है बिकॉज डेबिट ज़्यादा है. अगर 36,000 का लॉस हुआ है तो 36,000 को हम वर्किंग नोट में रेशियो में बांटो दोनों पार्टनर रिद्धि एंड सिद्धि. जो पहला पार्टनर का रेशियो क्या है 2/3, अब 3 के टेबल में 36 कट करो 12 से, 12 × 2 कितना होता है 24. तो पहले 36,000 को पहले पार्टनर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2/3 में बांटेंगे, रिद्धि का आएगा 3 के टेबल से, 12 से कट होगा तो यहाँ पे आया 24,000. अब वैसे ही दूसरे पार्टनर का करेंगे, 36,000 में से 24,000 का लॉस रिद्धि का है तो फिर सिद्धि का कितना 12,000, मतलब 24 और 12. सो अब डेबिट की टोटल ज़्यादा है, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो दोनों तरफ हम डेबिट की टोटल लिखेंगे, क्रेडिट में 36,000 का इफेक्ट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और दोनों पार्टनर के नाम लिखो रिद्धि सिद्धि, 24 12, बाहर 36. एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर के डेबिट में इफेक्ट दो, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस कितना आया 24,000 और 12,000. तो ऐसे हमें लॉस की एंट्री करनी है, लॉस ट्रांसफर हो गया है 24,000 एंड 12,000 का लॉस. अब हम पार्टनर को क्लोज करेंगे और जो भी पार्टनर का बैलेंस है वो हमें बैंक में ट्रांसफर करना है. अब देखो पार्टनर में रिद्धि क्रेडिट की टोटल कितनी है, रिद्धि की 90,667, तो 90,667 क्रेडिट की टोटल. डेबिट कितना आएगा रिद्धि का 34 और 24, 4 और 4 8, 3 और 2 5, तो 58,000. अब माइनस करो तो बैलेंस बैंक में जाएगा, बराबर माइनस करो उधर आएगा 6,6,7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 9 में से 6 गया 7, 8, 9, 3 मतलब 3, तो 3,2,6,6,7 पहले पार्टनर का बैलेंस आएगा, 2 बैंक, 3,2,6,6,7. अब सिद्धि का करो क्लोज, सिद्धि की क्रेडिट की टोटल निकालो 60 और 5, 65, तो सिद्धि की टोटल आएगी 6,5,333. 65,333 में से 12,000 माइनस खाली एक ही है डेबिट में, सो आंसर कितना आएगा 553,333.
3। सो ये बैंक आया, टू बैंक लिखेंगे, यहाँ पे भी दोनों का बैलेंस डेबिट में आया है, टू बैंक। अब ये जो बैंक आया है ये बैंक में क्रेडिट में जाएगा बाय रिद्धि कैपिटल बाय सिद्धि कैपिटल। कितना आया? 3,2,6,6,7 और 5,3,3,3 आंसर। सो अब इसके बाद फाइनली फिर आपका एंड में बैंक टैली होना चाहिए। सो अगर आपका बैंक टैली हुआ मीन्स वी आर राइट, सो बैंक की डेबिट की टोटल करो 20 और 1,03,000 कितना होता है? 20,000 में 1,03,000 प्लस करेंगे तो 1,23,000। और क्रेडिट की भी टोटल करो, 34 + 3 कितना होता है? 35, 36, 37, 37,000 प्लस ऑड फिगर्स है वो ले लो टोटलिंग में, 3,2,6,6,7 और उसके बाद 5,3,3, तो तीनों प्लस करके देखो तो 34,000 में 3,000 प्लस करेंगे तो 37 प्लस 3,2,6,6,7 और उसके बाद 5,3,3, 5,3,3, 53,3,3। अभी देखो 7 और 3 कितना होता है? 10। एक कैरी 6 + 4 10, वापस 6 + 4 + 10, 7 + 3 10, 10 और 2 11, 12 और 1 13, तो यहाँ पे 3, एक कैरी 3 और 3 6, 6 + 1 7, 7 + 5 कितना होता है? 12, तो आया ना 1,23,000। डेबिट की भी टोटल अपनी 1,23,000 आई है, क्रेडिट की भी टोटल 1,23,000 है, बैंक वो गेट टैली। तो इस तरह से हमें अकाउंट्स तैयार करना है और क्लोज करना है। तो इस तरह से हमें अकाउंट्स क्लोज करना है, पहला रियलाइजेशन बर्न करने का एंड ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन टू पार्टनर प्रॉफिट लॉस, फिर पार्टनर क्लोज करने का, पार्टनर का जो भी बैलेंस है वो बैंक में भेजने का, और फिर बैंक क्लोज करने का, बैंक टैली हो जाएगा। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिसॉल्यूशन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू अस नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड रिवाइज द एंट्रीज रेगुलरली एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।